गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रपोजिशन करेंगे। प्रपोजिशन क्या होती है, तो पहले डेफिनेशन ही करते हैं। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। ए प्रपोजिशन इज अ गवर्निंग वर्ड, ये गवर्निंग वर्ड होता है उस सेंटेंस में, विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रनाउन। जो नाउन या प्रनाउन जिससे पहले भी यूज होता है, उसका रिलेशन वो उसी सेंटेंस में यूज किसी दूसरे नाउन या प्रनाउन से दिखाएगा। जैसे कोई भी प्रपोजिशन है, वो एक नाउन को दूसरे नाउन या प्रनाउन से जोड़ेगी, तो वो होता है गवर्निंग, गवर्न करने वाला, उस सेंटेंस को जोड़ने वाला, संबंध दिखाने वाला, इसीलिए इसको गवर्निंग वर्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है। तो यहाँ जो ऑन है प्रपोजिशन, ये इन दोनों को जोड़ रहा है, बुक को और टेबल को, ये दोनों नाउन हैं, इन दोनों को इसने जोड़ दिया कि ऑन बुक टेबल पर, बुक और टेबल, इस ऑन ने इन दोनों को कंबाइन किया है, इन दोनों को जोड़ा है, इनका रिलेशन दिखाया है। द वाटर इज इन द जग, तो यहाँ इन ने इन दोनों नाउन को का रिलेशन शो किया है। प्रपोजिशन थ्री टाइप की होती है, सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन और फ्रेज प्रपोजिशन। तो सिंपल प्रपोजिशन में क्या आएगा, सिंपल प्रपोजिशन जैसे इन है, ऑन है, एट है, फ्रॉम है, विद, बाय एटसेट्रा, ये सिंपल प्रपोजिशन है। कंपाउंड है अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, ये सब कंपाउंड प्रपोजिशन है। और फ्रेज, ये खुद एक फ्रेजल वर्ब का काम करती है, ये इसके साथ हमेशा ये रहेगी प्रपोजिशन उस वर्ड के साथ, तो इसीलिए इसको फ्रेज प्रपोजिशन कहा जाता है। जैसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू लगेगा, इन ऑर्डर टू, फॉर द सेक ऑफ, इन एडिशन टू, ड्यू टू, इन फ्रंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, एटसेट्रा, तो ये इनको बोलते हैं फ्रेज प्रपोजिशन। ये हमेशा ऐसे ग्रुप में ही चलती है, इन फ्रंट ऑफ ग्रुप में ही चलेगा के सामने। तो अब सब इनके यूजेस क्या हैं, और यूजेस ये तो जैसे फ्रेज हो ही गई, सिंपल और कंपाउंड प्रपोजिशन के यूजेस। तो सिंपल एंड कंपाउंड प्रपोजिशन कहाँ कहाँ यूज होती हैं, सबसे पहले इनको देखते हैं। इन है शो स्टिल पोजिशन इन साइड अ सर्टन प्लेस, किसी एक निश्चित स्थान पे स्टिल, स्थिर स्थिति को दिखाता है, ये एक निश्चित स्थान पे स्थिर है वो चीज़, उसको दिखाएगा, तो उसको बोलते हैं जो सिंपल प्रपोजिशन का पार्ट इन, कि जहाँ ये स्थिर है वो इन, तो वहाँ पे इन यूज होगा। द वॉटर इज इन द जग, तो ये भी स्टिल है, स्थिर है, इन द जग, जग के अंदर है, वो मूवमेंट करके नहीं आया, यदि मूवमेंट करके आएगा तो इनटू आ जाएगा, लेकिन वो ऑलरेडी है, स्थिर है, वहीं पे है, उस निश्चित स्थान पे जग उसके अंदर, तो इसीलिए वो इन आएगा, वहाँ पे इनटू नहीं आएगा, इनटू मूवमेंट को शो करेगा। और सेकंड है बिग सिटी, स्टेट या कंट्री के नाम से पहले, जैसे आई लिव इन दिल्ली, किसी बड़े शहर के स्टेट या कंट्री के नाम से पहले हम इन लगाते हैं। बिफोर टाइम, ऐसे टाइम से पहले जैसे साल दे का दे रखा हो, नाम, मंथ का नाम दे रखा हो, जैसे इन 1950 इन नवंबर, या कोई ऐसा टाइम पीरियड दे रखा हो, जैसे समर है, विंटर है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, इनसे पहले हमेशा हम इन लगाते, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इन विंटर, इन समर, तो इनसे पहले हम इन ही लगाते, एट या ऑन नहीं लगाएंगे। और ऐसे ही जो प्रपोजिशन आती है, कोई ऐसे ही कोई जो एडवर्ब देके उससे पहले लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो अब यदि टाइम वर्ड से पहले इन हो, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट ये तो हैं टाइम को शो करने वाले एडवर्ब, लेकिन यदि टाइम ही लिख रखा हो और उससे पहले इन हो, तो उसका क्या मतलब हुआ, तो उसका मतलब होता है समय से पहले। जैसे ही रिच इज स्कूल इन टाइम, वह स्कूल में इन टाइम का मतलब है टाइम से पहले, कि वो टाइम से पहले पहुंचता है, ऑन टाइम, एग्जैक्ट टाइम पर। एट, अब एट का यूज क्या है, बिफोर डेफिनेट टाइम एंड पोजीशन, कोई डेफिनेट है निश्चित समय या उसकी स्थिति को दिखाने के लिए, जैसे शी रीच्ड देयर एट 9 AM, तो यहाँ डेफिनेट टाइम दिया हुआ, एग्जैक्ट टाइम के कितने बजे, तो इसलिए उसके लिए एट यूज होगा। ये पोजीशन एट द अर्लीएस्ट, ऐसी कोई पोजीशन को दिखाने के लिए जो डेफिनेट हो, तो उससे पहले भी हम एट लगाएंगे। उसके बाद है
बिफोर स्मॉल विलेज कॉलोनी सिटी, जैसे बिग विलेज सिटी कॉलोनी इनसे पहले हमने इन लगाया था, लेकिन यदि वही स्मॉल हो तो हम लगाते हैं एट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सी लिव्स एट जिंद इन हरियाणा। अब दोनों एग्जाम्पल इसमें क्लियर हो गए हैं कि यदि ये अकेला हम यूज करते तो यहाँ हम इन लगा सकते थे कि उसको हम अपने हिसाब से बिग मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बिग भी आया है तो इसीलिए इस बिग से पहले हम इन लगाएंगे, जो स्मॉल है उससे पहले हम एट लगाएंगे, एट जिंद इन हरियाणा। दे लिव, अब यहाँ पे हरियाणा से पहले एट हो गया, क्यों? क्योंकि आगे इंडिया आया जो इससे बिगर है, तो से जो स्मॉल है उसमें एट लगता है, और यदि बिग दे रखा हो साथ में तो उसमें इन, और अकेला हो तो हम वहाँ इन भी लगा सकते हैं। बिफोर नाउन नून नाइट डॉन नेम ऑफ फेस्टिवल, जैसे एग्जैक्ट जैसे आफ्टरनून में हम लगाते हैं इन इन द आफ्टरनून, लेकिन नून से पहले हम लगाते हैं एट, एट नून, एट नाइट, एट डॉन, या किसी फेस्टिवल का नाम दे रखा हो जैसे दिवाली है, दशहरा है, क्रिसमस है, तो इनसे पहले भी हम एट लगाते हैं, एट दिवाली, एट दशहरा, एट क्रिसमस। और यदि बिगिनिंग और एंड ये वर्ड दे रखे हो इन, तो इसमें हम यूज करते हैं बिगिनिंग और एंड में एट, एट द बिगिनिंग, एट द एंड, तो यहाँ भी एट यूज होता है। इनटू, टू शो मोमेंट और मूविंग पोजिशन। इनटू जैसे इन था स्टिल के लिए आया था, तो मूविंग पोजिशन के लिए इनटू आएगा, जैसे बॉल फेल इनटू वाटर, वो मूव करके आई है, पोजिशन करके, मोमेंट करके। और ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, कोई चीज़ को ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, तो इसमें हम हमेशा इनटू लगाते हैं, ट्रांसलेट इट इनटू, तो वहाँ हम इनटू लगाते हैं। अब टू, टू आता है अनदर प्लेस, किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए हम टू लगाते हैं, जैसे वी गो टू स्कूल। दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगता है, ये दोनों वर्ब हैं इनके लिए टू लगाया। कंपैरिजन किया जाए जैसे सुपीरियर टू, सीनियर टू, इन्फीरियर टू, तो वहाँ पे हम टू लगाते हैं। ऑन, ऑन आता है डे या डेट से पहले, जैसे ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त, तो ये डे या डेट है, इनसे पहले हम ऑन लगाएंगे। एनीथिंग प्लेस्ड ऑन ए थिंग बाई टचिंग इट, या कोई ऐसी चीज़ जो रखी हो लेकिन उसको टच करते हुए रखी हो, तो वहाँ भी हम ऑन लगाते हैं, जैसे ऑन द रूफ, ऑन फुट, पैदल चलना है ऑन फुट, क्योंकि वो टच करते हुए चलते हैं तो इसलिए ऑन लगता है वहाँ पे। ऑन द वे, ऑन द टेबल, जब वो टच करने वाली पोजिशन में हो तो हम ऑन लगाते हैं। अब ओवर, ओवर आता है मच अबो, जो टच ना कर रहा हो, थोड़ा ऊपर हो, जैसे द बर्ड्स फ्लाई ओवर आवर हेड, एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर आवर हेड, तो ऐसा जो टच ना कर रहा हो उसके लिए हम ओवर लगाते हैं, और टच हो रही हो चीज़ तो वहाँ हम ऑन लगाते हैं। अपॉन, प्लेस्ड और मूव्ड टुवर्ड्स एनी थिंग इन मूविंग पोजिशन, किसी ऐसी चीज़ की तरफ जो मूव करके आए, जैसे वो तो टच कर रहा हो, टच ना कर रहा हो, लेकिन ये मूव करती हुई आए, तो वहाँ हम अपॉन लगाते हैं, जैसे टाइगर फेल अपॉन द लैम, ये मूव करके आया, तो इसीलिए यहाँ ऑन और ओवर नहीं, अपॉन आएगा। और बाई, बाई क्या होता है, बाई डूअर को दिखाता है, काम करने वाले को, जैसे हम वॉइस चेंज करते हैं तो उसको डूअर बनाते हैं, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमेशा बाई लगाते हैं। मिल्क इज सोल्ड बाई मिल्क मैन। वॉच, वॉच से पहले जैसे टाइम पूछा जाए तो हम कहते हैं व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। एक्शन को शो करने के लिए जैसे सोल्ड बाय मीटर, बाय चेक, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एयर, बाय लैंड, तो ये सब एक्शन को शो करते हैं। विथ, विथ कहाँ पे आता है, साथ दिखाने के लिए, कि जब साथ विद हिज मदर, विथ हिम, मैनर बताने के लिए, विथ करेज, विथ काइंडनेस। ऑफ, ऑफ होता है रिलेशन बताने के लिए, जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। कारण बताने के लिए जैसे शी डाइड ऑफ कैंसर। और ऑफ ये अलगाव के लिए, जब कोई चीज़ सेपरेट हो रही हो, सेपरेशन को दिखाने के लिए, ही फेल ऑफ द स्कूटर, तो स्कूटर से वो सेपरेट हो गया, फेल हो गया, तो वहाँ ऑफ, ऑफ आएगा। फ्रॉम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे फ्रॉम 9
टू 5 PM, तो यहाँ फ्रॉम और टू दोनों आए, तो फ्रॉम 9 to, सोर्स को प्रकट करने के लिए जैसे लाइट कम्स फ्रॉम द सन। अब सिंस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डेफिनेट टाइम बताने के लिए, सिंस 1950, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, ये डेफिनेट टाइम को शो करते हैं। फोर परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस में इनडेफिनेट टाइम के लिए, जैसे फोर मैनी डेज, फोर अ वीक, तो इस तरीके से जो डेफिनेट ना हुआ फोर लगाते हैं, डेफिनेट हो तो सिंस यूज करते हैं। ट्वेयर ट्वेयर डायरेक्शन के लिए, जैसे टू हम किसी दूसरे स्थान की तरफ गए और वही डायरेक्शन दे रखी हो, ट्वेयर्स मी, कि वो गति करता हुआ इधर आ रहा है, वो उस टाइम की डायरेक्शन दी गई है, द टाइगर इज कमिंग ट्वेयर्स मी, मेरी तरफ आ रहा है। बिटवीन और अमंग, ये दो और करते हैं, बिटवीन कोई दो के बीच में, जैसे किसी दो की बात हो रही हो, नाम दे रखे हों, प्रणाम दे रखी हो, दो हों तो एंड के साथ, तो बिटवीन और एंड का हमेशा कॉम्बिनेशन होता है। अमंग दो से ज़्यादा का जिक्र हो तो हम अमंग यूज करते हैं, कि डिवाइड इट अमंग ऑल चिल्ड्रन, तो ये दो से ज़्यादा का जिक्र हो तो अमंग आएगा और दो हो तो बिटवीन आएगा। तो ये थी प्रपोजिशन।